नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनिधि। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जब से स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाली है, तब से लगातार वो इस कोशिश में जुटे रहते हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। इस क्रम में वो लगातार दिशा निर्देश भी जारी करते रहते हैं। विभागीय मंत्री कभी कभी तो औचक निरीक्षण पर भी निकल जाते हैं। देर रात को हॉस्पिटल्स में पहुँच के वहाँ की सुविधाओं का जायजा भी लेते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के क्रम में अब तेजस्वी यादव ने ओपीडी को लेकर एक बड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। दरअसल राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुविधा के समय में बदलाव किया गया है। अब बिहार के लोगों को ओपीडी की सुविधा दोपहर के बाद भी मिल सकेगी। राज्य के अंदर अब ओपीडी दो पालियों में यानी कि दो फेजेस में चलेगी। इसके लिए दो शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। पहले शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक का निबंधन किया जाएगा। इसके बाद शाम में 3:30 से 5 बजे तक निबंधन किया जाएगा। वहीं पहले शिफ्ट में ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरे शिफ्ट में इसका समय शाम के 4 बजे से 6 बजे तक रहेगा। वहीं रविवार को ओपीडी बंद रहेगा। इसके अलावा ओपीडी संबंधी शिकायत और सुझाव के लिए 104 नंबर भी जारी किया गया है। आप इस नंबर को डायल करके अपने सुझाव और शिकायत ओपीडी के संबंध में कर सकते हैं। आपको बता दें, महागठबंधन की सरकार बनते ही मंत्री तेजस्वी यादव ने सभी जिलों के सिविल सर्जन के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में सभी कमियों को दूर करने के लिए सिविल सर्जन को 60 दिनों का समय भी दिया था। इस दौरान उन्होंने कई डॉक्टर्स को निलंबित भी किया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गई थी। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारा प्रयास राज्य के हरेक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का है। इसको बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वर्तमान में राज्य के अंदर 23 जिलों में 24 मेडिकल कॉलेज हैं। इन सभी में से 9 कॉलेज संचालित हैं और अन्य 15 कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली को लेकर उन्होंने बड़ी जानकारी भी दी थी, जिसके बाद अब यह फैसला निकलकर सामने आया है कि ओपीडी के समय में बदलाव किया जाएगा। अब ओपीडी दो पालियों में यानी कि दो शिफ्ट में चलेगी। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से ही तेजस्वी यादव आए दिन आला अधिकारियों की बैठक बुलाकर पूरे विभाग को अलर्ट मोड पर काम करने का निर्देश देते रहते हैं। इतना ही नहीं, कभी कभी खुद विभागीय मंत्री देर रात औचक निरीक्षण पर भी निकल जाते हैं। इसके अलावा वो इसमें सुधार को लेकर कई तरह की नई स्कीम भी लागू करते रहते हैं। इस बीच तेजस्वी यादव और उनके विभाग के तरफ से ओपीडी को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सदर अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली ओपीडी की सुविधा के समय में बदलाव किया गया है। अब ये ओपीडी की सुविधा दोपहर के बाद भी मिल सकेगी, यानी कि ओपीडी अब दो शिफ्ट्स में चलेगी। पहले शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जबकि दूसरे शिफ्ट के लिए 3:30 से 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। वहीं पहले शिफ्ट की ओपीडी 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरे शिफ्ट की ओपीडी 4 बजे से 6 बजे तक चलेगी। वहीं रविवार के दिन ओपीडी बंद रहेगा। इसके साथ ही साथ ओपीडी से संबंधित सुझाव और शिकायत देने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। यह नंबर 104 यानी कि 104 है। इस पर डायल करके लोग अपनी शिकायत और सुझाव ओपीडी से संबंधित दे सकते हैं। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।